अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं पेरी बाइट्स। तो पेरी बाइट्स बनाने के लिए मैंने एक कप चिकन ले ली है, इसको बॉईल करके श्रेड कर लिया है। तो सबसे पहले हम फिलिंग रेडी कर लेते हैं चिकन की। इसमें हाफ कप मेयोनेज ऐड कर देंगे। टू टेबल स्पून टमाटो केचप डालेंगे। बिल्कुल ड्राई सा, बिल्कुल सूखा सा आपको फिलिंग नहीं बनाना है। थोड़ी सॉसी सी इसकी फिलिंग होनी चाहिए, तभी टेस्टी लगेगी खाने में। हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून क्रश ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। एक कप मैंने चीज़ ले ली है, प्रोसेस और मोज़रेला दोनों मिक्स है ये। आप चाहे तो शेडर चीज़ भी ले सकते हैं। और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपको फीलिंग ड्राई लग रही है, सूखी लग रही है, तो आप इसमें और टोमेटो केचप और मेयोनेज ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह की फीलिंग हमें चाहिए, फीलिंग बनकर रेडी है। मैंने हरी मिर्चें ले ली है, जो मोटी वाली होती है ना, इस तरीके की मोटी होती है और साइज़ में थोड़ी छोटी होती है, तो ये वाली ली है मैंने। इनको वॉश करके अच्छी तरह से मैंने किचन टॉवल से पोंछ लिया था और सेंटर में कट लगा के इसके अंदर की जो सीड्स होती हैं, जो बींजे होती हैं, वो मैंने रिमूव कर दी है। वो आपको रिमूव कर लेना है, बींजों के साथ इसको नहीं बनाना है। तो अब हम फीलिंग को इसमें फील कर देंगे। सबसे पहले एक मिर्ची उठा लेंगे हम, छोटा सा कोई भी आप स्पून ले लीजिए, उससे इसके सेंटर में हमने जो चिकन की फिलिंग बनाई थी वो हमें फिल कर देना है। ज़्यादा एकदम भरना नहीं है इसमें, जितनी इसमें आ रही है फिलिंग उतनी ही आपने भरना है। इस तरीके से फिलिंग को डालना है चिकन के और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। अगर एक्स्ट्रा चिकन निकल रही है तो उसको निकाल देना है। तो सेकेंड वाला भी इसी तरह से फील कर देंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन को याद से दबाइए। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी मिल पाएगी। तो ये देखिए, सारी चिकन की फीलिंग को मैंने फील कर दिया है मिर्चों के अंदर। एक अंडा लिया है, अंडे में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने बीट किया है, मैदा लिया है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम अंडे में डीप करेंगे, फिर मैदे से इसकी कोटिंग कर लेंगे, फिर सेकेंड टाइम वापस से हम इसको अंडे में डीप कर लेंगे। अब फिर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे इसके ऊपर। तो इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। और जब आप इसको बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है, बहुत ही टेस्टी और मज़े की रेसिपी है। और ये मिर्चें बिल्कुल फीकी होती है, तेज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि काफ़ी तेज़ होगी ये खाने में, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी फीकी, बिल्कुल फीकी होती है ये मिर्चें। और हमने इसकी बींजों को भी निकाल दिया है, तो ये बिल्कुल भी तीखी आपको नहीं लगेगी खाने में। तो इसी तरीके से सारे हम कोट कर लेंगे। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तेल को गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। एक एक करके हम डाल देंगे पेरी बाइट्स को और इसको फ्राई कर लेना है। सिर्फ हमें इस पर कलर लाना है, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, अच्छा सा इस पर कलर आ चुका है, फ्राई हो चुकी है। इनको हम निकाल लेते हैं डिश में। तो सारी पेरी बाइट्स हमारी फ्राई होकर रेडी हो चुकी है। काफ़ी टेस्टी और मज़े की बनती है। मैं आपको एक कट कर बताती हूँ। तो ये देखिए, कितनी सॉसी और कितनी जूसी इसकी फीलिंग है, आप देख सकते हैं। चीज़ भी बिल्कुल मेल्ट होकर बाहर आ रहा है, तो बहुत ही मज़े की और टेस्टी लगती है खाने में। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए इफ्तार में। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।